Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1984 की फिल्म अ संडे इन द कंट्री के बारे में, जो लैडमिराल नाम के एक बूढ़े पेंटर के बिताए एक संडे की कहानी है। ये कहानी है 1912 के एक संडे की, जब मॉन्स्योर लैडमिराल की सुबह की शुरुआत हुई। लैडमिराल एक पेंटर है जो गुनगुनाते हुए तैयार हो रहा था। उसके साथ साथ घर में काम कर रही औरत मर्सिडीज भी गुनगुनाने लगी। लैडमिराल सालों से इस घर में अकेले रह रहा है और उसका ख्याल रखने का काम मर्सिडीज करती है। हर हफ्ते की तरह लैडमिराल ने अपने बेटे गुंजाक को वहाँ रहने बुलाया और इसी बारे में वो मर्सिडीज से बातें करने लगा। इन्हीं बातों के बीच उन दोनों की बहस शुरू हो गई। मर्सिडीज को डर था कि स्टेशन पहुंचने में लैडमिराल को देरी हो जाएगी, पर लैडमिराल का मानना था कि घर से स्टेशन की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। अपनी पत्नी की मौत के बाद लैडमिराल मर्सिडीज पर डिपेंडेंट हो चुका है और इसलिए वो कोशिश करता है कि मर्सिडीज को किसी बात की तकलीफ ना हो। मर्सिडीज के अलावा इस घर में लैडमिराल का साथ देने के लिए उसकी पेंटिंग्स हैं, जो उसी के गार्डन के एक कमरे में रखी है। मर्सिडीज ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ और स्टेशन पहुंचने से पहले ही लैडमिराल को गोंजाक का परिवार मिल गया। मगर अब भी वो ये नहीं मान रहा था कि देरी उसे हुई है। उसका कहना था कि ट्रेन वक्त से पहले आ गई। गोंजाक एक ऐसा आदमी है जिसे अनुशासन और तमीज पसंद है, पर उसके दोनों बेटे उससे बिल्कुल अलग हैं। स्टेशन से घर तक के रास्ते में लैडमिराल ने उन्हें गांव वालों के बारे में बताया। इस बीच गोंजाक की पत्नी मारी चर्च चली गई। लैडमिराल की बातों से ये पता चला कि उसे मारी कभी पसंद नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो धर्म में विश्वास रखती है और गोंजाक का नाम बदलकर उसने एडवर्डो रख दिया है। लैडमिराल ये भी मानने को तैयार नहीं है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और वो कुछ ऐसी चीजें करने लगता है जो सिर्फ जवान लोग कर सकते हैं। जब भी उसे बुढ़ापे का एहसास होने लगता है तो वो अपनी थकान का दोष मौसम को दे देता है। वो इस बात से नाराज है कि गोंजाक पिछले हफ्ते उससे मिलने नहीं आया, पर वो कभी अपनी बेटी आइरीन से नाराज नहीं होता, जबकि वो सालों से उससे मिलने तक नहीं आई है। अपनी पेंटिंग्स देखकर लैडमिराल को अपनी पत्नी की याद आती है, जिसके जाने के बाद उसकी खुशी खत्म सी हो गई है। वो हमेशा से अपने बेटे से निराश रहा है और चाहे गोंजाक कितनी भी कोशिश कर ले, लैडमिराल को कभी उस पर गर्व नहीं होता। एक तरफ गोंजाक के बेटे थॉमस और एमिल शैतानी करके अपना वक्त गुजार रहे थे, तो दूसरी तरफ उसकी बेटी मिराल मर्सिडीज के साथ वक्त बिता रही थी। कुछ वक्त बाद मारी घर लौट कर आई और लैडमिराल से बात करने की कोशिश करने लगी, पर ना तो उसे कोई ढंग का जवाब मिला और ना ही उसकी बातों पर ध्यान दिया गया। तभी थॉमस और अमील की शैतानी की वजह से गोंजाक और मारी एक दूसरे से लड़ने लगे, पर फिर उनके बीच लैडमिराल आ गया और अपनी पेंटिंग्स के बारे में उन्हें बताकर उसने उन दोनों को शांत किया। उन पेंटिंग्स की इंस्पिरेशन के बारे में जब वो मारी को बताने लगा तो वो समझ गई कि लैडमिराल उन चीजों को कैनवास पे उतारता है जिनसे उसे प्यार है और जो वो अपने आसपास देखता है। धीरे धीरे गोंजाक को अपने पिता का प्यार मिलने लगा और अब वो ये सोचकर डरने लगा था कि उसके पिता के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पर फिर जैसे ही बातें बढ़ती गई, लैडमिराल फिर से ये कहने लगा कि आइरीन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और गोंजाक अब तक कुछ खास नहीं कर पाया है। जिस वक्त वो परिवार लंच कर रहा था, उस वक्त कोई ऐसा था जो उस घर की ओर आ रहा था। लंच होने के बाद लैडमिराल गोंजाक और मारी से बातें करने लगा और बातों के बीच ही उसे नींद आ गई। उसे वही सोता हुआ छोड़कर मारी और गोंजाक घर में आ गए, क्योंकि वो लैडमिराल को परेशान नहीं करना चाहते थे। और तब गोंजाक ने अपने दिल में छिपी बातें कही। उसने कहा कि वो भी पेंटिंग्स करना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं वो अपने पिता को निराश ना करते। उसकी बातें पूरी होने से पहले ही मारी वही सो गई और जैसे ही गोंजाक की आंख लगी, उन दोनों को जगाने का काम एक कुत्ते ने किया। वो कुत्ता गोंजाक की बहन आइरीन का था, जो सालों बाद अपने परिवार से मिलने आई है। सबको जगाने के बाद आइरीन लैडमिराल को जगाने के लिए दौड़ी। उसे जगाकर वो अपनी बातें करने लगी और अपने बूढ़े पिता को अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। इससे पहले कि लैडमिराल कुछ कह पाता, आइरीन ने कह दिया कि वो रात तक नहीं रुक पाएगी और यह सुनकर लैडमिराल निराश हो गया। गोंजाक आइरीन के आने से बिल्कुल खुश नहीं था और ना ही ये देखकर खुश था कि वो उससे बेहतर जिंदगी जी रही है। पर आइरीन जितनी खुश नजर आ रही थी उतनी ही दुखी थी। वो किसी बात को लेकर परेशान थी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे हाथ की लकीरें पढ़ना आता था और जब मिराल की लकीरें उसे दिखाई दी तो उसे पता चला कि मिराल 15 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं जी पाएगी और ये जानकर वो और ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी गहरी सोच में डूबी रही और अपनी माँ को याद करने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं और अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश में वो कुछ ज्यादा ही आगे आ गई है।
मर्सिडीज ने उससे कहा कि लैडमिराल चाहता है कि वो जल्द ही शादी कर ले, पर आइरीन ने कहा कि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं। वो अपनी गाड़ी में परिवार के साथ बाहर जाने निकली और गाड़ी देखकर गोंजाग ने कहा कि एक गाड़ी से बेहतर बच्चे होते हैं। जब वो लोग घर वापस आए तो उन्हें पता चला कि मिराल पेड़ पर चढ़ गई है और उतर नहीं पा रही। वो सब उसे उतारने की कोशिश करने लगे और इस परेशानी के बीच लैडमिराल दोपहर की चाय की बातें करने लगा। किसी तरह उसे सही सलामत पेड़ से उतार कर वो सब उसका ध्यान रखने लगे। कुछ वक्त बाद आइरीन ने गुंजाग को ये कहते हुए सुना कि आइरीन के कई दोस्त हैं, जैसे कि ये कोई शर्मिंदा होने वाली बात हो, और ये आइरीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आइरीन हमेशा से अकेले रहना चाहती थी और इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। पहले तो लैडमिराल उसके फैसले से सहमत था, पर जब आइरीन ने उसके घर आना बंद कर दिया तो उसे अपनी बेटी की कमी महसूस होने लगी। गुंजाग चाहे हर हफ्ते अपने पिता से मिलता हो, पर वो समझ गया था कि उसके पिता उसके आने से खुश नहीं, क्योंकि वो आइरीन नहीं है। और अब जब आइरीन आखिरकार मिलने आ गई है तो लैडमिराल अपने बेटे की ओर देख भी नहीं रहा। वो और मारी बच्चों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करने लगे, पर अब उन्हें भी आइरीन के साथ रहना ज्यादा पसंद आ रहा था। मारी को ये बात खटकने लगी कि अब लैडमिराल आइरीन के साथ ही वक्त बिता रहा है, पर क्योंकि वो सालों बाद घर लौट कर आई है तो वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। आइरीन को अपने पिता की पेंटिंग्स पसंद नहीं आती क्योंकि उसे उनमें कोई पैशन नहीं दिखाई देता, पर एक ऐसी पेंटिंग थी जो उसे बहुत पसंद आई। वो पेंटिंग लैडमिराल ने 40 साल पहले बनाई थी। पेंटिंग के अलावा आइरीन स्टोर रूम में पड़ा कुछ और सामान ले आई और घर में हलचल होते देख गुंजाग इरिटेट होने लगा। गुंजाग के ताने सुनकर आइरीन ने उस सामान के पैसे देने का फैसला कर लिया और अपने पिता के इनकार करने के बावजूद उसने सामान के पैसे उन्हें दे दिए। और पैसे देखकर लैडमिराल ये सोचने लगा कि वो गुंजाग के बच्चों के लिए कुछ तोहफे लाएगा। आइरीन ने तब फैसला किया कि वो रात तक वहां रुकेगी और खुशी खुशी अपने पिता को अपनी गाड़ी में सैर कराने ले गई। वो दोनों उस घर से कुछ दूर एक कैफे में गए। उस वक्त बातें करते करते लैडमिराल ने आइरीन से कहा कि वो एक कामयाब पेंटर तो है, पर वो अपने काम से खुश नहीं। वो चाहे शोहरत कमा चुका हो, पर वो कभी खुद का एक स्टाइल नहीं ढूंढ पाया और आज तक उसे इस बात का पछतावा है कि वो कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी बातें सुनकर आइरीन समझ गई कि लैडमिराल नहीं चाहता कि उसकी मौत इस पछतावे के साथ हो। अपने पिता को थोड़ी सी खुशी देने के लिए आइरीन ने लैडमिराल के साथ डांस किया और कुछ देर के लिए ही सही, पर लैडमिराल अपने पछतावे को भूल पाया। घर लौटने पर वो बच्चे आइरीन के पास आ गए और ये देखकर मारी फिर से निराश होने लगी। कुछ वक्त बाद आइरीन के लिए एक कॉल आया। वो कॉल किसी आदमी का था जिससे आइरीन प्यार करती है। उससे बातें करते हुए वो रोने लगी और बिना वक्त गवाए वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगी। लैडमिराल चाहकर भी आइरीन को रुकने के लिए नहीं कह पाया और जो लड़की हर वक्त खुश रहती थी उसे पहली बार वो सब परेशान देख रहे थे। परिवार के लोगों को अलविदा कहकर आइरीन वहाँ से जाने लगी और उसे जाते देख लैडमिराल ये सोचने लगा कि वो वापस आएगी भी या नहीं। वो अपनी बेटी के चले जाने से इतना परेशान हो गया कि उसने बच्चों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। गुंजाग को आखिरी बार अपने पिता का प्यार तब मिला था जब उसकी माँ जिंदा थी और उस दिन के बाद आज तक वो ये कोशिश कर रहा है कि उसके पिता उसके बारे में भी उतना ही सोचे जितना वो आइरीन के बारे में सोचते हैं। शाम होते होते गुंजाग के भी जाने का वक्त आ गया और उन्हें ट्रेन में बिठाकर लैडमिराल अपने घर लौटने लगा। ये संडे लैडमिराल के लिए बाकी संडे से अलग था, जहाँ रोजाना के स्केड्यूल के बीच आइरीन का आना उसकी रियलिटी से बाहर आने का जरिया था। और इस संडे के खत्म होने के साथ साथ लैडमिराल फिर से अपनी दुनिया में लौट आया, जहाँ उसके पास अकेलेपन और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। इस परिवार की तरह ऐसे कई परिवार हैं, जहाँ कुछ बच्चे अपने माता पिता को खुश करने की कोशिशों में नाकामयाब हो रहे हैं और जहाँ घर के बड़े बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं और अपने आखिरी दिनों में पछतावे के साथ जी रहे हैं। ऐसे परिवारों के हर सदस्य को कुछ न कुछ झेलना पड़ रहा है और अपनी अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं, पर ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में हो रही चीजों को बदलने की हिम्मत कर पाते हैं और अपना नजरिया बदलकर दुनिया को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।